न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा को कप्तान जबकि बुमराह को बनाया गया उपकप्तान। इसी दिन 3 बजे खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड पहला मुकाबला। तो क्या भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 4 ट्रेवलिंग रिजर्व खिलाड़ी भी रखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान नहीं चुना गया था। माना जा रहा है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद बुमराह में टेस्ट टीम का फ्यूचर कप्तान देख रहा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। सभी टखने की चोट से उभर रहे हैं, इसके लिए साल की शुरुआत से उनकी सर्जरी हुई थी। उनके अलावा लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। वे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे। न्यूजीलैंड टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मैच बेंगलुरु में 16 अक्टूबर को खेला जाएगा जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर से शुरू होगा, ये पुणे के स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस प्रकार है भारतीय टीम। रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, लोकेश राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव रोयल, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप। सो दोस्तों, आपके अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीते हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।